तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 57 में हमसे क्या पूछा गया है। ए सोर्स साउंड प्रोड्यूस 20 कंप्रेशन एंड 20 रेयरफैक्शन इन 0.2 सेकंड। द डिस्टेंस बिटवीन अ कंप्रेशन एंड द नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव रेयरफैक्शन इज 50 सेंटीमीटर। फाइंड द वेवलेंथ फ्रिक्वेंसी एंड टाइम पीरियड ऑफ द वेव। तो यहाँ पे क्या है, एक साउंड का सोर्स है जहाँ पे क्या हो रहा है 20 कंप्रेशन एंड 20 रेयरफैक्शन रिलीज हो रहे हैं इन 0.2 सेकंड। तो जो हमारे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारे यहाँ पे क्या होती है, वन कंप्लीट साइकिल इन 1 सेकंड, वही हमारे यहाँ पे क्या होती है फ्रीक्वेंसी होती है। तो एक कंप्रेशन और एक रियर फैक्शन में हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगी, एक कंप्लीट साइकिल हो जाएगी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक कंप्रेशन हो जाएगा और दूसरी तरफ ये हमारे यहाँ पे एक रियर फैक्शन हो जाएगा। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो रही है, एक साइकिल कंप्लीट हो रही है। अगर यहाँ पे एक साइकिल कंप्लीट जो होती है वो 1 सेकंड में हो तो वही हमारे यहाँ पे क्या होती है फ्रीक्वेंसी कहलाई जाती है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, 20 कंप्रेशन एंड 20 रियर फैक्शन है, तो इसका मतलब हमारे यहाँ पे क्या हो रही है, 20 साइकिल्स कंप्लीट हो रही है इन 0.2 सेकंड। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे हमारी क्या हो रही है, 20 साइकिल्स कंप्लीट हो रही है कितने सेकंड में, 0.2 सेकंड में। तो यहाँ पे 1 सेकंड में कितनी साइकिल कंप्लीट होगी, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, वन साइकिल इन 1 सेकंड। तो हमें यहाँ पे सिंपल क्या करना पड़ेगा, दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा। तो 20 डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0.2। ऊपर नीचे मैं यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ पॉइंट रिमूव करने के लिए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 200, यहाँ पे आ जाएगा 2, तो ये हमारे यहाँ पे आ गया 100। तो ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, 1 साइकिल इन 1 सेकंड को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, हर्ट्ज बोलते हैं या फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो फ्रीक्वेंसी हमारे यहाँ पे कितनी निकल के आ जाएगी, 100 हर्ट्ज निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी तो पता कर ली, उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, वेवलेंथ पता करना है। तो यहाँ पे क्या बोला गया, द डिस्टेंस बिटवीन अ कंप्रेशन एंड द नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव रियर फैक्शन। तो ये हमारे यहाँ पे क्या था, कंप्रेशन था, ये हमारे यहाँ पे क्या है, रियर फैक्शन है। दोबारा हम करेंगे साइकिल को, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा कंप्रेशन हो जाएगा एंड ये हमारे यहाँ पे क्या होता है, रियर फैक्शन होता है। तो हमें यहाँ पे दोनों कंप्रेशन के बीच का डिस्टेंस और उसके आगे यहाँ पे जो रियर फैक्शन आ रहा है इसका डिस्टेंस, तो दोनों को हम यहाँ पे किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 2 लैम्डा हो जाएंगे। तो हमें यहाँ पे एक वेवलेंथ का डिस्टेंस दे रखा है जो कि हमारे यहाँ पे कितना है, 50 सेंटीमीटर। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, हमें यहाँ पे एक वेवलेंथ का दे रखा है 50 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पे किसका बताना है, दोनों वेवलेंथ का बताना है। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 50 प्लस 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो टोटल हमारे यहाँ पे कितना हो गया, 100 सेंटीमीटर हो गया, या इसको यहाँ पे बोल सकते हैं 1 मीटर। दो वेवलेंथ निकल के आएगी, एक यहाँ से कंप्रेशन के बीच से और एक हमारे यहाँ पे रियर फैक्शन के बीच से। तो इसलिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वेवलेंथ को 2 बार ऐड करना पड़ेगा। तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर, और इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हमारा कितना बचेगा आंसर, 1 मीटर बचेगा। अब हम यहाँ पे टाइम पीरियड आसानी से निकाल सकते हैं। टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमारे यहाँ पे क्या होता है, 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी होता है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी निकल के आई थी, 100 हर्ट्ज निकल के आई थी। तो टाइम पीरियड हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0.01 सेकेंड हो जाएगा। ये हमारे यहाँ पे टाइम पीरियड हो गया। होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।